अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की नई पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। बहुत सी न्यू अपडेट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि यूट्यूब की नई अपडेट आ चुकी है जिसमें 10,000 सब्सक्राइबर और 5,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मैं इसको चेक करने के लिए पहले मैं यहां से मैं अपने चैनल में जाऊंगा और यहां पे हेल्प पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं हेल्प पे क्लिक करूंगा यहां पे मैं मोनेटाइजेशन यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं आपको देख सकते हैं कि अपडेट अक्टूबर को आई थी 2020 में कि देयर आर नो चेंज फॉर आवर पॉलिसी, यानी कि यूट्यूब की अभी मोनेटाइजेशन के बारे में कोई अपडेट नहीं आई। अगर कोई नई पॉलिसी आएगी तो आपको मेल कर दी जाएगी और आपको पता चल जाएगा। और कुछ कह रहे हैं कि आप इस साल के दिसंबर के एंड तक पैसे दे के 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरा कर लें तो आपका चैनल मोनेटाइज रहेगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जब पॉलिसी एक चेंज हुई थी कि 4,000 घंटे वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर की जरूरत है तो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी थी कि आप 4,000 घंटे वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर आपके पूरे होंगे तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो उस वक्त ये हुआ था कि जिनके चैनल पे 4,000 घंटे वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर नहीं था उनका भी चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया था। इसलिए आप वेट करें और अभी चैनल मोनेटाइज ना करवाएं। आप एक दफा चेक कर लें कि हो सकता है कि 2021 में यूट्यूब की तरफ से नई पॉलिसी आए, आप उस पॉलिसी के तहत अपना चैनल को मोनेटाइज करवाएं। अगर आप अभी से मोनेटाइजेशन ऑन करवाएंगे 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा किया आपने और आप फिर उसको मोनेटाइज करवा लेंगे, अगर 2021 में नई पॉलिसी आती है तो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा और फिर आप उस टारगेट को पूरा करेंगे तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इसलिए अभी वेट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।